ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, हम सभी राजयोग का अभ्यास करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं, लेकिन ये परमानंद उन्हें सर्वाधिक प्राप्त होता है जिनका मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। एकाग्रता इस संसार में पहले से ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है। कोई मनुष्य सहज एकाग्र हो पाता है, कोई बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन एकाग्र होने के लिए जहाँ और बहुत सारी बातें आवश्यक हैं, वहीं ईश्वरीय नशा भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। हमें अपने चित्त को ईश्वरीय खुमारी से भरपूर करना होगा। ब्रह्मा बाबा जैसे सदा इस नशे में रहते थे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, बहुत बड़ा नशा था उनको ये। भविष्य में मुझे नारायण बनना है, विश्व महाराजन बनना है, इस ईश्वरीय नशे ने उनको सचमुच बेफिक्र बादशाह बना दिया था, ईश्वरीय प्यार में मग्न कर दिया था, एकाग्रता में परफेक्ट कर दिया था। हम भी ईश्वरीय नशे में रहें। कौन पढ़ाने आया है हमें? किसने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया है? सवेरे सवेरे स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आता है, तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये नशा जितना अधिक से अधिक हमें रहेगा, पढ़ाई पर उतना ही हमारा अटेंशन रहेगा, उतना ही हमें इस ईश्वरीय ज्ञान के अनमोल रत्नों की वैल्यू भी होगी। नहीं तो कईयों को ये ज्ञान बिल्कुल साधारण लगता है, वही तो आत्मा की बात है, लेकिन आत्मज्ञान तो अति गुह्य है, ये अनुभव होने लगेगा। हमें अपने भविष्य का नशा भी बाबा की तरह ही रखना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पता नहीं है, हमें पता है, हम भी महान देवता बनने वाले हैं। अपने देव स्वरूप को जितना ज्यादा हम स्मृति में लाएंगे, हमारे अंदर देवत्व उतना ही आता जाएगा, देवत्व निखरता जाएगा। हमें ये नशा चढ़ा रहे कि ये देह छोड़कर मैं भी बहुत बहुत दिव्यता से भरपूर, पवित्रता से संपन्न देवता बनूंगा। अपना देव स्वरूप बार बार याद आता रहे, जैसे कि हमारे सामने खड़ा है, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। और भी बहुत सारे नशे हमें अपने अंदर रखने हैं। कौन मुझे साथ दे रहा है? कौन मेरी जीवन नैया का खिवैया बना है? किसने मुझे कहा है, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? किसने हमें कहा है, बच्चे तुम चिंता न करो, मैं जो हूँ, मैं जो बैठा हूँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो हम ईश्वरीय खुमारी में चलें, ईश्वरीय खुमारी में रहें। बोले भी तो हमारे बोल से हमारा ईश्वरीय नशा प्रत्यक्ष झलकता हो। लेकिन ध्यान रहे, ये नशा बहुत सूक्ष्म है, ये बोलने का नहीं है। हम बार बार दूसरों को बोलेंगे हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ाता है, तो लोग शायद उतना इस बात को स्वीकार न कर पाए। लेकिन हम सूक्ष्म रूप से जितना इस नशे में रहेंगे, उतना हमारे चेहरे पर एक रौनक रहेगी, एक रुहाव रहेगा। तो आज सारा दिन हम इस ईश्वरीय नशे का अभ्यास करेंगे। जो दो हमने कहे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान ने हमें सत्य ज्ञान दिया है, बहुत बड़ी संपूर्णता की डिग्री हमें मिलने जा रही है, जो डिग्री वास्तव में बहुत बड़ी होगी, संसार में किसी को भी ये डिग्री प्राप्त नहीं है। दूसरा, मुझे भविष्य में एक महान देवता बनना है,
इसको याद रखेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे फरिश्ता सो देवता बनने की। बस ये अभ्यास करें, मुझे फरिश्ता बनकर घर जाना है और देवता बनकर वापिस आ जाना है, कितनी सुंदर बात है। ऐसा कौन होगा जो फरिश्ते बनकर घर की ओर उड़ान भरें और धरा पर आए तो देवता बन जाएं, भरपूर देवता, संपन्न देवता। ये अभ्यास हमें बहुत लाइट करेगा, हमारी समस्याओं को हल करेगा। हर घंटे में एक बार, एक मिनट के लिए अपने फरिश्ते स्वरूप और देवता स्वरूप को सामने रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और सारा दिन डबल लाइट होकर दिनचर्या को व्यतीत करेंगे। ओम शांति।